हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे केपी फूड्स एंड ब्लॉग में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट छोला भटूरा की रेसिपी। छोला भटूरा की रेसिपी बहुत ही इजी है और हम हर फेस्टिवल में इसे ज़रूर बनाते हैं। हर फेस्टिवल में ना तो कुछ में तो हम इसे बनाते ही बनाते हैं और ये लगभग सारे लोगों की पसंद होती है। ये एकदम कॉमन डिश है और सबकी फेवरेट भी होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मोटे चने यानी कि बड़े चने, जिसे हम काबुली चने भी कहते हैं। इसे हम रात भर सोक करेंगे या फिर 6-7 घंटा तो इसे सोक करना मस्ट है। और इसे हम अच्छे से धो के सोक करेंगे और उसके बाद उसी पानी में हम इसमें डालेंगे नमक और डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ढक के बॉयल होने छोड़ देंगे। आप इसे कुकर पर भी 5-6 सीटी लगाने के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद हम लगा लेंगे आटा। आटा के लिए हमें चाहिए यहाँ पे मैदा। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप मैदा डालें। ठीक है, हम यहाँ पे 1 kg मैदा यूज़ कर रहे हैं। इस मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा सूजी। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। उसके बाद डालेंगे इसमें हम 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा चीनी डालेंगे। चीनी ऑप्शनल है, लेकिन चीनी डालने से इसे फर्मेंट होने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है, चीनी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही हम इसमें थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा यानी कि हम इसमें 250 ग्राम से थोड़ा सा कम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मैदा है तो इसे हम मसल मसल के मिलाएंगे। इसको थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसीलिए हम इसमें जल्दबाजी ना करें, अच्छे से मिलाएं। आटा अगर अच्छे से मिला होगा ना, अच्छे से लगाएंगे, तभी हमारे भटूरे जो है वो एकदम क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आटे को अच्छे से मिला मिला के मल मल के बनाएं। आटा जो मैदा का गूंथना और आटा का गूंथना है ना, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए मैदे में जो है ना वो टाइम टेकन होता है उसको गूंथना। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से गूंथेंगे। ज़्यादा टाइट डो हमें नहीं करना है, हमें डो को एकदम सॉफ्ट रखना है। तो पहले इसे अच्छे से हम गूंथ लेते हैं। ठीक है, हमने आटा को गूंथ लिया है, हमारा डो एकदम रेडी है। अब इसे हम रेस्ट पे छोड़ेंगे फर्मेंट होने के लिए। इसके लिए हम इसे 5-6 घंटे का रेस्ट देंगे। ढक के इसे हम किसी भी गर्म जगह में रख देंगे। आप इसे गीले कपड़े से या किसी भी ढक्कन से ढक लें। उसके बाद हम प्याज और टमाटर को चॉप कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना छोला का प्रोसेस। छोला बनाने के लिए हम चढ़ाएंगे अपना कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल पहले अच्छे से गर्म हो जाए, इसे हमें धुआं निकलने तक गर्म करना है। जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे जीरा। ठीक है, जीरा जब चटकने लगे तब इसमें डालेंगे हम दालचीनी, इलायची, लौंग, तेजपत्ता। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। चॉप किया हुआ प्याज को हम अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इस पर कलर न चढ़ जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इसे डीप ब्राउन नहीं करना, बस इसमें हल्का सा कलर आ जाए तब तक इसे हमें भुनना है। हमारा प्याज जो है वो कलर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसे अच्छे से भुनेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, इसको इसका जो कच्चापन जब तक ना निकले तब तक इसे हम भून लेंगे और ऑयल इसे थोड़ा सा सेपरेट होने लगे तब तक इसे हम चला लेंगे।
थोड़ा सा ये भून चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे धनिया का पाउडर, उसके बाद डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं है, इसमें कलर के लिए हमने इसे डाला है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने से छोले का कलर जो है बहुत बेहतरीन आता है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि ऑयल जो है हमारा सेपरेट ना होने लगे। हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर को। टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ही हमने टमाटर डाला, हम यहाँ पे डालेंगे नमक। नमक हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने छोला को बॉयल होने के लिए जब चने डाले थे ना, उसमें भी हमने नमक डाला था, ठीक है। तो नमक हम ध्यान से डालेंगे और नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी का पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक और हल्दी डालने के बाद हमारा टमाटर जो है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे अच्छे से हम गला लेंगे, जब तक कि ये ना गले तो आप इसे ढक ढक कर पका सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे चाट का मसाला, ठीक है। चाट मसाला का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आता है। थोड़ी देर हम इसे ढककर भी पकाएंगे, इसे हम ढक देते हैं। कुछ देर के बाद आप देखेंगे हमारा ऑयल जो है वो किनारों से सेपरेट होने लगा है। इसे हम अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने बॉयल किए हुए चने को, ठीक है। हमारा मसाला एकदम तैयार है, भून के रेडी है, ठीक है। इसे हम अच्छे से मिला के अब इसमें हम अपने बॉयल किए हुए चने को डाल दें। आप चाहे तो चनों को स्ट्रेन करके भी डाल सकते हैं और आप बॉइलिंग पानी के साथ भी इसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा चना हमने सेपरेट कर लिया है, उसे हम मैश करके इस छोलों में डालेंगे। अच्छे से मसालों में कोट कर लेते हैं चने को। एक साइड इसे हम छोड़ देंगे, दूसरी साइड हम यहाँ पे डालेंगे पानी। पानी में डालेंगे हम चाय पत्ती, ये यहाँ का सीक्रेट है। छोले में चाय पत्ती का पानी डालने से ना छोले का कलर बहुत बेहतरीन आता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बार जरूर ट्राई करें तो आप इसका टेस्ट और इसका कलर एकदम भूले नहीं भूलेंगे। चाय पत्ती थोड़ा सा बॉयल होने लगे, उसके बाद आप देखेंगे इसमें चाय पत्ती का जो है कलर पानी में आ गया है। थोड़ी देर बॉयल होने के बाद इसे ऑफ कर देंगे फ्लेम को, ठीक है। और उसके बाद इसे स्ट्रेन करेंगे चनों में, यानी कि छोलों के ऊपर इसे स्ट्रेन करेंगे और इसी पानी में इसे बॉयल होने के लिए 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। हमारा पानी रेडी है, अब इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं छोलों के ऊपर। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद इसे हम ढक देंगे फिर से 10 मिनट के लिए बॉयलिंग पे। अब हमने जो चनों को थोड़ा सा अलग किया था, उसे हम मैश कर लेते हैं और उसे हम छोलों में डाल देंगे, जिससे कि हमारा छोला का जो तरी है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आप यहाँ पे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसे आलू पसंद ना हो तो आप यहाँ पे इसी तरह चने को मैश करके उसमें डाल दें, ताकि हमारा जो छोला है वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाए और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। आप देख सकते हैं छोलों में कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। हम यहाँ पे मैश किए हुए चने को डालेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। सबको मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे, ढक के हम इसे 5-10 मिनट और पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे छोलों में कितना बढ़िया कलर आया है और ऊपर ऊपर ऑयल भी अलग हो गया है। इसका मतलब हमारा जो छोला है वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर और ग्रेवी कितना बढ़िया आया है। आप चाहे तो हमने जो खड़े मसाले डाले थे उसे आप अलग कर दें। अब यहाँ पे हम कसूरी मेथी को तवे में थोड़ा सा रोस्ट करके इसे हम छोलों के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। हमारा जो कसूरी मेथी है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे हम अच्छे से मसल लेंगे और उसके बाद छोलों में डाल देंगे।
कसूरी मेथी का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है छोलों में। आप एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि छोलों में जो छोले का मसाला होता है ना, वो घर पे बनाए, बाहर का जो मसाला है वो इस पे यूज़ ना करें। एक बार घर के बना के मसालों में डालेंगे ना, तो इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। हमारा छोला बिल्कुल तैयार है। एक बार बॉइलिंग आ जाए उसे हम फिर उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा छोला कितना बेहतरीन बना है और इसका कलर तो एकदम क्या ही कहने। इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर हम नींबू डाल लेंगे, नींबू का रस डाल के इसे हम इंजॉय करेंगे। हमारा छोला बिल्कुल तैयार है, इसे हम सर्व करके रख देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं भटूरों के पास। भटूरा भी हमें बनाना है और हमें छोलों के साथ उसे सर्व करना है। हमारा छोला बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। भटूरे का डो एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं एकदम फर्मेंट हो गया है। इसे एक बार और मसल मसल के हम मिला लेंगे। मैदे में जो रेस्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। मैदे में रेस्ट होगा तो ही ये हमारा बढ़िया भटूरा बनेगा। भटूरा फूलने के लिए इसे रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमारा डो कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है और कितना स्ट्रेचेबल हो गया है। इसे हम एक बार और मिला के फिर हम चलेंगे भटूरे के प्रोसेस पे। सबसे पहले हम एक लोई काट के उसे हम बेल के दिखाएंगे और उसे हम फ्राई करेंगे। भटूरों के लिए ऑयल जो है एकदम गर्म होना चाहिए, तो इसके लिए हम एक पैन चढ़ा लेते हैं। पैन जैसे ही गर्म हो जाए हम इस पर डालेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छा गर्म होना चाहिए, ऑयल कम गर्म होगा तो हमारे भटूरे जो है ना फूलेंगे नहीं। तो इसके लिए हम इसे अच्छे से ऑयल में डिप करेंगे और उसे हम बेलेंगे। अब भटूरों में ज़्यादा प्रेशर ना लगा, इसे आराम आराम से बेलें और पतला बेलें, तो आप देखेंगे कि आपके भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। इसे एक साइड से प्रेस करके आगे बढ़ें, आगे पीछे प्रेस ना करें, नहीं तो ये अच्छे से स्ट्रेच नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना अच्छा से स्ट्रेच करके एक साइड से बेला है। इसे हमें पतला ही बेलना है क्योंकि मैदे जो है ना स्ट्रेच होते हैं और फिर खिंच जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आराम आराम से इसे बेलें। अब हमारा जो भटूरा है, एक और मैं बेल के दिखाती हूँ। इसे हम इसी तरह ओवल शेप में बेलें और साइड साइड से पतला करें। ज़्यादा मोटा भटूरा रहेगा तो वो खाने में बढ़िया नहीं होगा। हमें भटूरे फूले फूले और बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट चाहिए। इसके लिए हम इसे एकदम हॉट ऑयल में डालेंगे और धीरे धीरे हल्का सा प्रेस करेंगे चारों ओर से, तो आप देखेंगे हमारे भटूरे कितने सुंदर एकदम फूल जाएंगे। आप देख सकते हैं भटूरों का कलर और कितना अच्छा फूला है, ठीक है। इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है और एकदम अच्छा फूल के तैयार हुआ है। फिर से मैं दिखाती हूँ। हम लोई को इस तरीके से लेंगे और इसे हम ओवल शेप में बेलेंगे। किनारों से पतला एकदम बेलेंगे, मोटा एकदम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे भटूरे जो फूलेंगे नहीं। और ऑयल एकदम हॉट होगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम भटूरा डालेंगे हल्का सा हम इसे प्रेस करेंगे तो ये एकदम फूल के तैयार हो जाएगा। इस पर कोई मेहनत नहीं है और एकदम इतना टेस्टी और क्रिस्पी भटूरा बनेगा तो आप एकदम भूल नहीं पाएंगे। बहुत लोगों को थोड़ा डर लगता है कि हमारे भटूरे फूलेंगे कि नहीं, लेकिन एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें तो आपके भटूरे बहुत अच्छे से फूलेंगे। आप देख सकते हैं हमारे भटूरे कितने सुंदर तैयार हुए हैं फूल के। एक और दिखाती हूँ। आराम आराम से बेलें इसी तरह से और आगे पीछे ना बेलें, एक साइड से बेलते जाए और किनारों पर पतला करते जाए। ऑयल हमारा हॉट होना चाहिए और हल्का सा इसे हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे भटूरे एकदम फूल के तैयार हैं। कितना खूबसूरत और फूला फूला तैयार हुआ है हमारा भटूरा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे भटूरों को आप निकालते जाएं और सर्व करते जाएं। भटूरे को पहले से बना के ना रखें, नहीं तो वो सौगी हो जाएंगे। इसे जब खाना हो तभी सर्व करें। हमारा भटूरा बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम सारे भटूरों को जितना एक बार में आप खाएं या फिर अपने बच्चों के लिए एक बार में ही निकाल लें, उसके बाद इसे सर्व करके बच्चों को दें।
आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है। इसी तरीके से हम जितना आपको यूज़ करना है उतने भटूरों को आप निकाल लें और अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, अपने परिवारजनों को के साथ एंजॉय करें। छोला हमने पहले ही बना लिया है, भटूरे हमने अभी प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके बाद हम चलेंगे सर्विंग के प्रोसेस पे। हम इसे प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन भटूरों के साथ आप अचार और प्याज, नींबू, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। आप कैसे एंजॉय करते हैं भटूरों को आप ज़रूर बताएं। मैंने यहाँ पे छोला भटूरा और उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है रायता, अचार, नींबू और प्याज। इसी के साथ हम अपना भटूरा और छोला दोनों को एंजॉय करेंगे। आप भी अपने बच्चों और अपने परिवारजन के साथ इसे एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी और फेमस रेसिपी है और सभी लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और हम सब मिलके इसे एंजॉय करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।